करेंगे प्रोक्रियोट्स वर्सेस यूक्रियोट्स द टॉपिक द फॉर्म ऑफ अ टेबल द फर्स्ट फीचर इज द एवरेज डायमीटर। हम जानते हैं प्रोक्रियोट्स का जो डायमीटर है वो स्मॉलर इन साइज होते हैं तो इनका डायमीटर कम होगा दैट इज 1 टू 10 माइक्रोमीटर। जबकि यूक्रियोट का साइज बड़ा होता है तो इनका डायमीटर 10 टू 100 माइक्रोमीटर होता है। सेल वॉल कंपोजिशन इज सेकेंड फीचर। प्रोक्रियोट्स के हम जानते हैं दो डोमेन्स होती हैं, वन इज कॉल्ड एज आर्की और एंशियंट बैक्टीरिया, अदर वन इज द क्रू बैक्टीरिया ऑल्सो कॉल्ड एज यू बैक्टीरिया। जो आर्की बैक्टीरिया है इसकी सेल वॉल के तीन कंपोनेंट्स होते हैं, वन इज प्रोटीन्स एंड थर्ड इज ग्लाइकोप्रोटीन। जो बैक्टीरिया की सेल वॉल एक यूनिक मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है इसे कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन। इसमें दो चीजें हैं, वन इज पेप्टाइडो, पेप्टाइडो मीन्स अमाइनो एसिड्स, जबकि ग्लाइकन वर्ड जहां भी आ रहा हो इट ऑलवेज मीन्स पॉलीसेकेराइड्स। अब इसमें अरेंजमेंट किस तरह होती है कि लार्जर पॉलीसेकेराइड चेन्स होती हैं। पॉलीसेकेराइड्स मीन शुगर मॉलिक्यूल्स लाइक दिस वन। और ये जो चेन्स हैं पॉलीसेकेराइड्स की दे आर हेल्ड टूगेदर बाय शॉर्टर चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो ये अमाइनो एसिड की चेन्स के दरमियान आ रही होंगी और इस पूरे मॉलिक्यूल को मिला के हम कह रहे होते हैं सकुलस। सकुलस इज अ लार्ज ह्यूज यूनाइटेड मॉलिक्यूल। साइटोस्केलेटन हम जानते हैं कि प्रोक्रियोट्स में एब्सेंट होता है और यूक्रियोट्स में मौजूद होता है। सेल डिवीजन प्रोक्रियोट्स में बाय बाइनरी फिशन हो रही होती है जबकि यूक्रियोट्स में माइटोसिस और मियोसिस हो रही होती है। सेल मेम्ब्रेन प्रोक्रियोट सेल मेम्ब्रेन में स्टीरोल्स नहीं होते, स्टीरोल्स में कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होता है जबकि यूकेरियोट सेल मेम्ब्रेन स्टीरोल्स होते हैं। स्टीरोल्स के साथ साथ फॉस्फोलिपिड्स भी होते हैं। फॉस्फोलिपिड्स आर कॉमन इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोक्रियोट्स एज वेल एज यूकेरियोट्स। तो यहाँ भी फॉस्फोलिपिड पाए जा रहे होंगे। पर याद रखें देयर इज अ बैक्टीरिया कॉल्ड एज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया और यू कैन से स्मॉलेस्ट लिविंग क्रिएचर। इसकी सेल मेम्ब्रेन यूनिक है, इट्स ओनली प्रोकैरियोट जिसकी सेल मेम्ब्रेन में क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट मौजूद होगा। और सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स की मोर फंक्शनल है। मोर फंक्शनल मींस ये ना सिर्फ ट्रांसपोर्ट का काम कर रही होती है बल्कि इसकी सेल मेम्ब्रेन में इमेजिनेशंस होती हैं लाइक दिस वन। दीज इमेजिनेशंस आर कॉल्ड एज मीजोसोम्स। और यहाँ पर मुख्तलिफ एंजाइम्स होते हैं लाइक एंजाइम्स फॉर रेस्पिरेशन और रेप्लिकेशन। और राइबोसोम्स भी अटैच होते हैं टू द इनर मेम्ब्रेन इनर सर्फिस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। और राइबोसोम हम जानते हैं कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं जबकि यूकेरियोटिक सेल की मेम्ब्रेन इस तरह के फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर रही होती। साइटोसोल प्रोक्रियोट का साइटोसोल जेल लाइक होता है जबकि यूकेरियोट्स का जेल प्लस सोल लाइक। अगर हम यूकेरियोटिक सेल देखते हैं तो इसका जो पेरिफेरल पार्ट होता है वो जेल लाइक होता है, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है, जबकि दरमियान वाला पार्ट जो होता है डेट इज सोल लाइक। जबकि प्रोक्रियोट्स का तकरीबन सारा ही जो साइटोप्लाज्म होता है वो जेल लाइक ही होता है क्योंकि इसको स्पोर अंदर से मुहैया साइटोस्केलेटन से नहीं हो रही होती, इसको स्पोर दे रहा होता है इसके जेल लाइक फ्लूइड, इसलिए इसके साइटोप्लाज्म को हम कह रहे होते हैं साइटोप्लास्मिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं डीएनए, तो प्रोक्रियोट का डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड तो होगा ही, डीएनए इज ऑलवेज डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल पर इसके साथ सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड एंड सर्कुलर। जबकि यूकेरियोट्स का डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड तो होगा पर लीनियर होगा। डीएनए की लोकेशन जो है वो यहाँ पर क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होती तो डीएनए इज प्रेजेंट इन द इसका डीएनए हो रहा होगा इन द साइटोप्लाज्म, जबकि यूकेरियोट्स का जो डीएनए है ये पाया जा रहा होगा इन द न्यूक्लियस।
एवोल्यूशन हम देखते हैं तो कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि प्रोकैरियोट्स की एवोल्यूशन 4 बिलियन ईयर्स अगो हुई है, कुछ में लिखा हुआ है 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, जबकि यूकेरियोट्स की 1 बिलियन ईयर्स अगो भी लिखा हुआ है या फिर 1.5 बिलियन ईयर्स अगो भी लिखा हुआ है। फ्लैजेला अगर देखते हैं तो प्रोकैरियोट्स का फ्लैजेला जो है वो एक प्रोटीन से मिलकर बना है फ्लैजेलिन से, इसका फ्लैजेला हेलिकल होता है, इसकी बेस पर एक रोटरी मशीन होती है जो इसकी मूवमेंट में हेल्प कर रही होती है, जबकि यूकेरियोट्स का फ्लैजेला जिस प्रोटीन से मिलकर बना होता है वो ट्यूबुलिन से बना होता है और ये वीप लाइक होता है। अगर आप पैरामीशियम को देखते हैं तो पैरामीशियम टर्मिनल पर यहाँ पर फ्लैजेला नजर आ रहा होता है और ये वीप लाइक है, ये वाटर को जब प्रोपेल करता है जिससे बॉडी आगे मूव कर पा रही होती है। स्टोन प्रोटीन्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड प्रेजेंट इन यूकेरियोट्स, मेम्ब्रेन बाउंड नलीज प्रोकैरियोट्स में ऐसी होती नहीं है। हम जानते हैं प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक ही नली होती है, दैट इज राइबोसोम, वो भी मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है, तो यूकेरियोट्स में बहुत सी होती हैं लाइक एंडेबल रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एटसेट्रा। न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट प्रोकैरियोट्स, जबकि यहाँ पर होते हैं। न्यूक्लियोसोम से मुराद दो चीजें हैं, डीएनए, सोम कहते हैं प्रोटीन को, और प्रोटीन से मुराद हम दे रहे हैं हिस्टोन। हम जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं है जबकि यूकेरियोट्स में ऐसा है। ट्रू क्रोमोसोम, क्रोमोसोम से मुराद भी दो चीजें होती हैं, क्रोमो मतलब कलर और यहाँ इसे मुराद लिया जा रहा होता है डीएनए। सोम मीन्स अगेन हिस्टोन प्रोटीन्स और क्रोमोसोम का यूनिट होता है न्यूक्लियोसोम, तो न्यूक्लियोसोम ही नहीं होगा तो फिर इसमें ट्रू क्रोमोसोम भी नहीं होगा। जो बैक्टीरियल या प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम होता है वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए से मिलकर बना होता है, इसमें सिर्फ डीएनए मौजूद होता है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होती, जबकि यूकेरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन्स और डीएनए दोनों होते हैं, इसमें ट्रू क्रोमोसोम भी होगा। राइबोसोम इसके स्मॉलर साइज होते हैं 70S प्रोकैरियोटिक सेल के, जो यूकेरियोटिक के 80S होंगे। रेस्पिरेशन अगर हम देखें प्रोकैरियोट्स के अंदर तो दो जगह होती है, इन साइटोप्लाज्म एंड मीजोसोम्स। मीजोसोम्स हम जानते हैं इंटरनल इनफोल्डिंग सेल मेम्ब्रेन की, जहां पर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं और यहाँ पर 38 ATP पैदा होते हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटने से, जबकि यूकेरियोट्स में एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल टूटने से 36 ATP पैदा होते हैं, 36 आर द नेट ATP और यहाँ नेट ATP होंगे 38। टोटल हम जानते हैं टोटल 40 ATPs पैदा हो रहे होते हैं एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के टूटने से। फोटोसिंथेसिस अगर हम देखते हैं तो इसमें फोटोसिस्टम 2 मौजूद होता है इन केस ऑफ साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। जबकि यूकेरियोट्स में लाइक इन प्लांट्स फोटोसिस्टम 1 भी होगा और फोटोसिस्टम 2 भी होगा। इससे बात ये भी समझ में आती है कि फोटोसिस्टम 2 जो है ना डेट वॉज इवॉल्व अर्लियर एज कम्पेयर टू फोटोसिस्टम 1, बट फोटोसिस्टम 1 वॉज डिस्कवर्ड अर्लियर देन फोटोसिस्टम 2। अगर एप्लीकेशन देखते हैं हम तो प्रोकैरियोट्स का जो रेप्लीकेशन है वो एक ही पॉइंट से हो रहा होता है, सिंगल पॉइंट ऑफ ओरिजन, एक पॉइंट से ही, तो ये जो पॉइंट है एक लाएगा पॉइंट ऑफ ओरिजन, और क्योंकि डीएनए मौजूद ही साइटोप्लाज्म के अंदर होता है तो सारी एप्लीकेशन कहाँ हो रही होगी, इन द साइटोप्लाज्म, और इसमें एक वक्त के अंदर 1000 2000 न्यूक्लियोटाइड्स लेके आए जा रहे होते हैं बाय डीएनए पॉलीमरेज, जबकि यूकेरियोट्स में मल्टीपल पॉइंट ओरिजन हो सकते हैं, तो बहुत से पॉइंट से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकती है और ट्रांसक्रिप्शन बबल्स बन सकती हैं। बहुत से बन सकते हैं लाइक दिस वन एटसेट्रा, और ये न्यूक्लियस में होता है और इसमें स्पीड कम होती है, 100 200 न्यूक्लियोटाइड्स लेके आ रहा होता है डीएनए पॉलीमरेज, जहाँ पर 1000 2000 है, इसलिए रेप्लिकेशन प्रोसेस फास्टर इन प्रोकैरियोट्स कंपेरेटिवली स्लोअर इन द यूकेरियोट्स। ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स में जो प्रोमोटर सीक्वेंस है वो -35 और -10 -35 पर होता है, जिसको सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज का लोकेट कर रहा होता है, और यहाँ पर होता है -25 और -75 पर। आरएनए पॉलीमरेज की इन केस प्रोकैरियोट सिर्फ एक ही टाइप होती है जो तो तमाम तरह के आरएनए बनाती है,
यूकेरियोट्स में इसकी तीन टाइप होती हैं, एक बनाती है राइबोसोमल आरएनए, टाइप वन बना रहा होता है, टाइप टू जो बनाता है वो मैसेंजर बनाता है, जबकि आरएनए पॉलीमरेज थ्री बना रहा होता है ट्रांसफर आरएनए। प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं है, एक ही आरएनए पॉलीमरेज तीनों टाइप्स बना रहा होता है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन से मुराद है वो ट्रांसक्रिप्शन, वो मॉडिफिकेशन जो ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद हो रही होती हैं। तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं आती, जबकि यहाँ पर जो आरएनए बन जाता है लाइक एमआरएनए, तो इसमें कैप और टेल ऐड की जा रही होती है, क्योंकि इसमें मूव करना होता है फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। ट्रांसलेशन अगर हम देखें प्रोकैरियोट्स के अंदर, तो स्टार्टिंग मॉनिस्टर जो होगा दैट इज एन फॉर माइल मिथियोनिन फर्स्ट वन, जबकि यहाँ पर स्टार्टिंग मॉलिक्यूल जो होता है वो मिथियोनिन होता है। इट मीन्स प्रोकैरियोट्स के अंदर द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मिथियोनिन इज प्रेजेंट। सेलुलरिटी हम देखते हैं तो प्रोकैरियोट्स सारे के सारे यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोट्स यूनि भी हो सकते हैं, लाइक अमीबा, यूग्लिना एक्सेट्रा, ये मल्टी भी हो सकते हैं लाइक ह्यूमन बींग। डिटेल अबाउट प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, अब हम इसके एमसीक्यूज देख लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स आर, ऑप्शंस आर सिंपल एंड इजी टू ग्रो, बीटा फास्ट रिप्रोडक्शन। तो इसका आंसर बनेगा बोथ, क्योंकि दोनों इसके बेनिफिट हैं। सेकंड वन, एडवांटेजेस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स आर कैन स्पेशलाइज्ड, बीटा ऑप्शन मल्टी सेलुलरिटी, चार्ली कैन बिल्ड लार्ज बॉडीज, डेल्टा ऑल। तो इसका आंसर बनेगा ऑल, क्योंकि तमाम ही इसके एडवांटेजेस होंगे। डेट वॉज डिटेल्ड लेक्चर अबाउट प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।